आज मैं आपको उस संत के बारे में बताऊंगा जिनकी माँ ने उनके लिए प्रार्थना की और उनका हृदय परिवर्तित हो गया। क्रिसमस में प्रिय भाई और बहनों, हर साल 28 अगस्त को संपूर्ण कलीसिया संत अगस्तीन का पर्व मनाती है। संत अगस्तीन का जन्म 13 नवंबर 354 ईस्वी में अफ्रीका में हुआ था। कल हमने संत मोनिका का पर्व मनाया था, जो कि संत अगस्तीन की माँ हैं। उन्होंने प्रभु से रो रो कर प्रार्थना की ताकि उनके पुत्र का हृदय परिवर्तन हो जाए। संत मोनिका की शादी एक गैर क्रिस्ती से हुई थी और उनकी 3 संतानें थीं। संत अगस्तीन सबसे बड़े पुत्र थे और वह पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार थे, इसलिए उनके माता पिता उन्हें 331 ईस्वी में कार्तेज रोम में भेजते हैं ताकि वे अपना अध्ययन करें। वे वहां पर कई वर्षों तक पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और एक मशहूर वकील बन जाते हैं। संत अगस्तीन तर्क वितर्क करने में बहुत ही होशियार रहते हैं और वे मिलान के कोर्ट के ऑरेटर बन जाते हैं। वे राजा के द्वारा कही गई सभी बातों को बहुत ही तर्कपूर्ण ढंग से लोगों के सामने पेश करते थे और ख्रिस्तीय भाई बहनों को उनको झूठा साबित करते थे और ख्रिस्तीय धर्म को मानने वाले लोगों को वे झूठा साबित करने की कोशिश करते थे और वह यही साबित करना चाहते थे कि राजा की आवाज़ और राजा ही उनका एकमात्र ईश्वर है। लेकिन संत अम्ब्रोस का जब वे प्रवचन सुनते हैं तो उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। संत अम्ब्रोस ने जो सत्य की बात उन्हें बताई थी कि केवल एक ही सत्य है, एक ही ईश्वर है, वह प्रभु यीशु है। इन्हीं बातों पर संत अगस्तीन विचार विमर्श करते हैं और वे अपने हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। उन्होंने सिटी ऑफ गॉड नामक एक पुस्तक लिखी। वे बहुत अच्छे लेखक, साहित्यकार और एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जीवन से लोगों ने बहुत अधिक कृपाएं और आशीष प्राप्त की हैं। संत अगस्तीन का जीवन जो मोह माया में वे बिता रहे थे, उस सभी मोह माया को छोड़कर वह ईश्वर की ओर अभिमुख हो जाते हैं और वे अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि उनकी माँ ने बचपन से लेकर जब संत अगस्तीन 371 में कार्तेज जाते हैं पढ़ाई के लिए और अपना जीवन इसी प्रकार से मोह माया में बिताते हैं, तो उस समय उनकी माँ ईश्वर से रो रो कर विलाप करते हुए 33 वर्षों तक उनके लिए प्रार्थना करती है और उसी से यह सब कुछ हो पाया है कि एक पापी व्यक्ति संत बन जाता है। आइए हम उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो पाप के अंधकार में डूबे हुए हैं, जो मोह माया में फंसे हुए हैं। प्रभु उन सबको अपने पास बुलाए और उन्हें आशीष और कृपा से भर दें।